इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें कोर्ट ने एसबीआई को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि आपको हर जानकारी देनी होगी, कुछ भी नहीं छिपाएं, जो भी हो उसे बताएं। तो आखिर किस जानकारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई है नाराजगी और क्या कहा है आदेश में, देखिए इस रिपोर्ट में। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को सख्त आदेश देते हुए कहा था कि 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा चुनाव आयोग को दे, जिसे चुनाव आयोग 14 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। एसबीआई ने दो फाइलों में डेटा दिया, लेकिन इसमें यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर नहीं था, जिस कारण से ये जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि किस व्यक्ति या कंपनी ने किस राजनीतिक दल को चंदा दिया है। और इसी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को जमकर फटकार लगाई। सीजीआई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने एसबीआई के वकील हरीश सालवे से कहा, हमने कहा था कि सारी डिटेल्स लाइए, इसमें बॉन्ड नंबर्स की भी बात थी, जानकारियों का खुलासा करने में एसबीआई सिलेक्टिव ना रहे, न ही हमारे आदेश का इंतजार करे। एसबीआई चाहती है कि हम ही उसे बताएं किसका खुलासा करना है, तब वे बताएंगे। एसबीआई का ये रवैया सही नहीं है। हम आदेश देते हैं कि एसबीआई के चेयरमैन 21 मार्च शाम 5 बजे तक एक एफिडेविट दाखिल करें, जिसमें लिखा हो कि कोई जानकारी नहीं छिपाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया कि एसबीआई से मिली जानकारी तुरंत वेबसाइट पर अपलोड करें। सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने तो पिछली सुनवाई में एसबीआई को नोटिस जारी किया था, क्योंकि हमने आदेश में पूरी जानकारी देने के लिए कहा था, लेकिन एसबीआई ने बॉन्ड नंबर नहीं दिया। एसबीआई पूरे आदेश का पालन करे, सभी बॉन्ड के यूनिक नंबर यानी अल्फा न्यूमेरिक नंबर निर्वाचन आयोग को मुहैया कराए। हम ये साफ कह रहे हैं। सुनवाई के दौरान एसबीआई के वकील हरीश सालवे ने कहा कि एसबीआई यूनिक नंबर देने को तैयार है, यानी अब 21 मार्च को इस बात की जानकारी भी सामने आ जाएगी कि किस डोनर ने किस राजनीतिक दल को चंदा दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।